न्यूयॉर्क में सोमवार को पाक पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। ट्रंप से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत बातचीत को तैयार नहीं है, जो एक बड़े संकट की शुरुआत है। हम मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका का साथ चाहते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत से मेरे अच्छे संबंध हैं और मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान साथ आएंगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर पाक पीएम इमरान खान की अमेरिका के सामने लगाई गई गुहार काम नहीं आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले पर भारत को अपना दोस्त बताया, लेकिन एक कार्यक्रम में इमरान खान अमेरिका पर ही बरस पड़े। इतना ही नहीं, इमरान ने यह भी माना कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अलकायदा को ट्रेनिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 102 पर बड़ा फैसला सुनाया और अब आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है, लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने में कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सहमति से ही फैसला सुनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में एक पहचान पत्र का प्रस्ताव रखा है। शाह के मुताबिक इस पहचान पत्र में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट सभी होना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना भी डिजिटल होगी। ये जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई में मंगलवार को प्याज 75 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली में सितंबर की शुरुआत तक 30 से 40 रुपए किलो के बीच बिकने वाला प्याज अब 60 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 60 रुपए बिकने वाला प्याज वो 24 रुपए में मुहैया कराएंगे। प्याज के दामों में हुई अचानक बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मौसम को जिम्मेदार बताया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बाढ़ के चलते यातायात की दिक्कत आ रही है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार अलर्ट है। हमारे पास प्याज की कमी नहीं है। हमारे पास 56,000 टन प्याज है। जो राज्य खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। दिल्ली ने प्याज खरीदना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मंथन चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की 228 सीटों का बंटवारा भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। वहीं शिवसेना ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीटों और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। त्रिपुरा में कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रद्योत देव बर्मन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट लोगों को पार्टी में बड़े पदों पर शामिल कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे झूठों और अपराधियों से बात नहीं करनी पड़ी। चुनाव आयोग के आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोबेल सिंगल को भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अशोक लवासा की पत्नी को जारी इस नोटिस के बहाने विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि निष्पक्ष अंपायर को निष्पक्षता की सजा, ये है बीजेपी का रास्ता। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। जुलाई में औपचारिक क्षेत्र में खूब नौकरियां मिली हैं। ईपीएफओ के नए पैरोल डेटा के मुताबिक जुलाई 2019 में 11,62,000 नौकरियां मिली। इस साल नौकरी के मामले में देखें तो जुलाई महीना दूसरा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला रहा। इसके पहले जून महीने में सबसे ज्यादा 12,23,000 नौकरियों का सृजन हुआ था।